नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सलमान खान में हिम्मत है तो उसे बचा ले, अभिनेता को फिर मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी। फिल्म अभिनेता सलमान खान को गुरुवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक और धमकी दी है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिली है। जानकारी के मुताबिक नई धमकी एक गाने को लेकर दी गई है। इस गाने में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल है। धमकी देने वाले ने कहा है कि एक महीने के भीतर गीतकार को घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिल्म अभिनेता सलमान खान को गुरुवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक और धमकी दी है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिली है। जानकारी के मुताबिक नई धमकी एक गाने को लेकर दी गई है। इस गाने में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल है। धमकी देने वाले ने कहा है कि एक महीने के भीतर गीतकार को घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वे दोबारा गाने नहीं लिख सकेगा। सलमान खान में हिम्मत है तो उसे बचा ले। कर्नाटक से एक आरोपी गिरफ्तार। धमकी के एक नए मामले में राजस्थान के जालौर जिले के रहने वाले 32 वर्षीय बीका राम को महाराष्ट्र की एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस ने उसे कर्नाटक के हावेरी से दबोचा है। बीका राम ने भी सलमान खान को भी धमकी दी थी। उसने 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। शाहरुख खान को भी मिल चुकी है धमकी। सलमान खान के अलावा अभिनेता शाहरुख खान को भी धमकी मिल चुकी है। रायपुर के एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी। इससे पहले बरेली के रहने वाले मोहम्मद तैयब को मुंबई पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 92 से गिरफ्तार किया था। उसने सलमान खान और एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे मैसेज में आरोपी ने लिखा था कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे। सलमान खान के घर के बाहर हो चुकी फायरिंग। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान को बाबा सिद्दीकी का करीबी माना जाता है। उनकी हत्या के बाद से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। 1998 के काले हिरण मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से खफा है। इसी वजह से वह सलमान खान को मारना चाहता है। एक टीवी इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि अगर सलमान खान माफी मांग ले तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इसी साल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हो चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।